पार्टी नहीं चला क्योंकि अध्यक्ष जी आज 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 मतदान किया है क्या? हमारा संविधान नीचे कर लो, लोकतंत्र में ही हमें ये अधिकार देता है, हम अपने मतदान के द्वारा अपने पसंद के लोगों के द्वारा अपने जो हमारा विचार है उसके आधार पर अपने प्रदेश की देश की सरकारों का चयन करें। देश में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है और नगरों की और गांव की सरकार। तो आज नगरों की सरकार के लिए पूरे प्रदेश भर में प्रथम चरण में मतदान है। मैंने भी मुरादाबाद में मतदान किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा है और पिछली बार भी प्रदेश की महान जनता ने बहुत आशीर्वाद इसने दिया। इस बार भी अपने एजेंडे के साथ डेवलपमेंट सुरक्षा का हमारा एजेंडा है, उस विषय को हमारे लेकर सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश की महान जनता के बीच में गए हैं, आग्रह किया, निवेदन किया भाजपा के पक्ष में मतदान करने का। और मुझे विश्वास है कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100% मेयर अधिकांश नगर पालिका नगर पंचायतों पर चुनाव जीते। अध्यक्ष जी एक बोगस वोटिंग का 2019 में प्रकरण चला था कि बुर्के की आड़ बोगस वोटिंग होती है, इस बार भी सिंधु परिषद ने उठाया मुद्दा, क्या कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष? बुर्के की आड़ प्रशासन को शांति पूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी और उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और हम सब नागरिक भाइयों बहनों को मतदाता भाइयों बहनों को शांति पूर्वक मतदान निष्पक्ष मतदान हो सके इसका प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। ओके आज देश का सम्मान भी बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में सम्मान राज्य का बढ़ रहा है और गरीब कल्याण योजनाएं जो करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, वो सभी को मिल रहा है। अब उदाहरण लिए देश का सम्मान, सूडान जैसी घटना जो आज हो रही, वहां आतंकवादी सेना आपस में भिड़ रहे हैं, समय हिन्दुस्तान की जैसे पता चलता है कि भारत के बच्चे अभी मुझे मिल गया, वो अभी बच्चे वापस लौट रहे थे आजमगढ़ बाकी जनपदों से, कानपुर में लोग बताए जिस ढाबा पर भोजन कर रहे थे, यानी जैसा नाम सुनते कि हिंदुस्तान का बच्चा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन बच्चों को कोई बदतमीजी नहीं करता है, सुरक्षित व जाते ना आतंकवादी और आपस में कत्लेआम हो रहा है, सड़कों को लाश रही है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी बच्चों को कोई नहीं बोलता है सुरक्षित वो देश वापस आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश, दूसरे मतदाताओं को परेशानी ना हो मेरे को। जी जी ये कौन दबाना है यार, ये कौन ठीक है रोल? आज जो लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है उनका पालन किए और सभी प्रदेश के उन मतदाताओं से अपील भी करते हैं कि यह मताधिकार करने का लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, अपने मत का प्रयोग करने का मौका है, इसलिए अपने मताधिकार का जो अधिकार है उसे अधिकार भी समझें और कर्तव्य भी समझें और भारी संख्या में निकल करके अपना मतदान करें। सर बजरंगबली बेड़ा पार करेंगे?